नमस्कार। मिथिलांचल नुनिया समाज संघ की ओर से अपना पाठशाला निःशुल्क कोचिंग सेंटर का उद्घाटन छठी पोखर पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता के तौर पे माननीय मंत्री श्री ललित कुमार यादव जी उपस्थित रहे। मिथिलांचल नुनिया समाज संघ के अध्यक्ष अशोक प्रसाद मेहता के अध्यक्षता में यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अपना पाठशाला केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस पाठशाला की उद्घाटन का उद्देश्य ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेस भी उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों बच्चे को कॉपी कलम किताब देकर शिक्षा में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। और आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं हमारे माननीय मंत्री जी। समाज का सुंदरपुर छठी पोखर दरभंगा में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि DCA ADCA टाइली DTP एंड इतने नुनिया समाज में जो शिक्षा का जो कमी था, उस दिशा में एक बहुत बड़ा ये मुख्य कार्यालय जो सुंदरपुर छठी पोखर पर खोला गया है, ये समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में जो समाज शिक्षा में जितना आगे रहेगा, उस समाज का उतना विकास होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से मिथिलांचल नुनिया समाज संघ के अध्यक्ष अशोक प्रसाद महतो जी इस छठी पोखर पर नुनिया समाज के समस्त बुद्धिजीवीगण माता एवं बंधे, ये बहुत अपार हर्ष की बात है कि जो वंचित समाज, जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग आज इस तरह से समाज में अपना एक अहम योगदान दे रहे हैं और अपना समाज में एकजुट है और एकजुटता के ताकत पर अपने समाज का पहचान बनाने वाले आप लोग, ये नुनिया समाज सबसे अग्रणी समाज में आज न कल निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपका आगे नाम होगा, सभी समाज से आगे नाम होगा। जो आप एकता का परिचय दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में दिया, आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री जी आपके कार्यक्रम में आए हुए थे और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग खुले मैदान में, आज तक कोई नुनिया समाज का कार्यक्रम नहीं हुआ था और इतना विशाल कार्यक्रम आपने किया, अपने एकजुटता का परिचय दिया और इस तरह से आप लोग एकजुट रहे और इसमें मिथिलांचल नुनिया समाज संघ के अध्यक्ष अशोक महतो जी की ये योगदान जाता है और सभी नुनिया समाज के जो संगठन के अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, सचिव है, सारे लोग का, आपके नुनिया समाज का योगदान है जो इतना बड़ा सफल रैली आपने किया। आपके समाज का रैली इतना बड़ा हुआ, ये दूसरे लोग के लिए नजीर बना है, दूसरे लोग को ये समझ रहे कि नुनिया समाज जागरूक हो गया, सजग हो गया। इतने बड़े संगठित रूप में, इतने संगठन रूप में एकजुट होना इस समाज का एकता का परिचय है और ये समाज आगे बढ़ के रहेगा और इस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जो आपका संगठन की क्षमता है, आप अपना संगठन एकता दिखा रहे हैं, जागरूकता दिखा रहे हैं,
दूसरे समाज भी समझ रहे हैं कि नुनिया समाज आज बहुत आगे जा रहा है और आपके हक हकूक और अधिकार को कोई रोक नहीं सकता है। अभी अशोक महतो जी कह रहे थे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जो आपका महारैली हुआ उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आपके अधिकार की बात की, आपका जो हक हकूक है उसकी बात की कि हम आपका हिस्सेदारी सरकार में भी और आने वाले समय चुनाव में भी जो विधानसभा विधान परिषद का होगा हम सभी चुनाव में हम आपका हिस्सेदारी हम निश्चित रूप से देंगे। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया तो निश्चित रूप से आपके समाज का जो एक एकजुटता है और एक एकजुटता का ताकत दिखने में आ रहा है। और जब इतने बड़े जनसभा में तेजस्वी जी ने घोषणा किया तब उसके बाद बचा क्या, आपका जो अधिकार है, आपका जो हिस्सेदारी है, आपका जो हक हकूक का जो वंचित, जो आपके हक हकूक से लोग वंचित किए हुए थे, आप जागरूक हो चुके हैं, आप एकजुट हो चुके हैं, आपके अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है, यही आपका ताकत है। आप ये जो नुनिया समाज की ओर से मिथिलांचल नुनिया महासंघ की ओर से ये कार्यक्रम दरभंगा जिला में जो छठी पोखर पर जो हम आज पहला बार जो ओपनिंग किए हैं माननीय पीएचडी मंत्री ललित कुमार यादव की ओर से शुभारम्भ के लिए, ये श्री गणेश आज हम लोग का नुनिया समाज का ये हुआ है क्योंकि हमारे समाज शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं था जिस कारण हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाया और समाज में जो शिक्षा प्राप्त करता है वो समाज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। ये पहला कदम मेरा समाज का शिक्षा पर गया है और यहाँ हम BCA ADC VT या जो भी हो कंप्यूटर कोर्स जो है इसका हम लोग अपने समाज को भरपूर सहयोग इससे देंगे और इससे डिग्री भी प्राप्त होगा। जो गरीब मेघावी छात्र हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन का व्यवस्था हम लोग हर गांव में हम लोग करने जा रहे हैं। ये स्टार्टिंग हम लोग छठी पोखर से किए हैं और हम 10 विधानसभा में हर गांव में जहाँ इसकी आवश्यकता है वह हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि अपने समाज के बीच में शिक्षा और एजुकेशन का व्यवस्था करें। जो गरीब आदमी नहीं पढ़ सकते उनके लिए जब तक सरकार के तरफ से हमारा सहयोग नहीं मिल रहा तब तक हम लोग अपने सामाजिक स्तर से इसका भरपूर प्रयास करेंगे कि ये जुड़े और शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस तरह के सेंटर खुलने के साथ साथ जागरूकता अभियान भी जरूरी है तो क्या जागरूकता अभियान चलाया जाएगा आपके लिए? नहीं, जागरूकता मेरा चलता रहेगा। ऐसे नहीं कि नुनिया समाज 76 साल से वंचित है और इनमें जगाने का काम इसमें मेन भूमिका ललिताओं का भी है, इन्होंने भी इनका बड़ा बड़ा सहयोग है कि हमारे साथ हैं, आज हिम्मत दिए हुए हैं कि आप आगे बढ़िए समाज को जगाइए। हमारा जो भी बन पाएगा आपके समाज के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं करूंगा, इनका आश्वासन अभी भी हमको मिल रहा है। क्या इसमें किसी तरह का शुल्क मिल लिया जाएगा बच्चे लोगों से? जी नहीं, जो गरीब है और समाज ही नहीं दूसरे समाज का भी अगर बच्चा पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसे पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना दुनिया समाज के लिए नहीं दूसरे समाज का भी लोग अगर चाहेगा बच्चे लोग पढ़ना तो मैं पढ़ाऊंगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ अशोक प्रसाद महतो, मैं मिथिलांचल नुनिया महासंघ का अध्यक्ष।